अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन कमाल और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। आज बात करेंगे आपके साथ पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के कितने चांसेस हैं, और जो मैच होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का उस पर बात करेंगे, जिम्बाब्वे खेलेगा इंडिया के साथ उस पर भी आपके साथ तफसील से बात करेंगे, और फिर जो पहला मैच उस दिन होगा इतवार वाले दिन वो होगा नैदरलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका, बड़ा मैच होगा उस पर आपके साथ बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा रहमान भाई, साउथ अफ्रीका और जो नैदरलैंड का मैच है उस दिन बता रहे हैं कि जो पहला मैच खेला जाएगा उसमें बारिश के चांसेस 50-60% बता रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस दिन 100% ही बारिश हो और मैच का नतीजा ना निकले और साउथ अफ्रीका का मैच ड्रा हो जाए, इस पर आप क्या बात करना चाहेंगे, खुलकर जरा बताएं। जी सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान टीम जो है उसने पहले तो दो मैचेस भी जबरदस्त खेले और हार जीत तो एक टीम की होती है मोहसिन भाई, ये देखें तो अगर पाकिस्तानी टीम अपना मैच जो है बांग्लादेश से वो जीत जाती है, और नेदरलैंड और जो आप बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के मैच की, उसमें 50-60% चांसेस हैं बारिश के, और अगर पाकिस्तानी अवाम की, हो सकता है पाकिस्तानी अवाम जो है दुआएं तो कर रही है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, तो अगर बारिश आ जाती है, बारिश की वजह से मैच ड्रॉ भी हो सकता है, तो अगर एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल जाता है, उधर साउथ अफ्रीका को और नेदरलैंड को, साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट्स बन जाएंगे, और अगर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से जीतता है तब तक मौसम बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तान के लिए, जो मैच होगा उसमें मौसम क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, उस पर ये होगा कि पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स बन जाएंगे, साउथ अफ्रीका के भी 6 पॉइंट्स बनेंगे। अब साउथ अफ्रीका जो है अगर रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान थोड़े से मार्जिन से बांग्लादेश से अगर मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में चांसेस हैं कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जी अब्दुल रहमान भाई, ऐसे ही है क्योंकि पाकिस्तान का जो रन रेट है इस वक्त बेहतरीन हो गया है, साउथ अफ्रीका से सिर्फ कुछ ही पॉइंट पीछे है, और अगर पाकिस्तानी टीम 35-40 रन या इससे भी छोटे मार्जिन से जीतता है तो पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका का मैच ड्रा नहीं होता बल्कि साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो फिर हमारी जो अगली नजरें होंगी वो इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच पर होंगी। जी तो इस पर आप क्या कहते हैं, जिम्बाब्वे अपसेट कर सकता है या इंडिया जीत जाएगी? जी देखें, जिम्बाब्वे वैसे तो टीम जो है हल्की सी टीम है, लेकिन देखें ये भी देखें कि गेम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, और आपको शायद याद ना हो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी इसी जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप से कर दिया था बाहर, तो इंडिया को भी बाहर कर सकती है जिम्बाब्वे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, देखें गेम्स है, कुछ भी हो सकता है, ये तो नहीं है कि अब इंडिया टीम जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया टीम जो है बेस्ट टीम है इस वक्त वर्ल्ड कप में, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान की भी टीम इतनी हल्की नहीं है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जिस तरह से शिकस्त दी है और जिस तरह से मैचेस खेले हैं, अच्छे मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, तो ये जिम्बाब्वे जो है इसमें 50-50 ही चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि इंडिया के 70-80% चांसेस हैं कि जीत जाएगा इंडिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है, और अगर इंडिया जो है जिम्बाब्वे से हारता है तो पाकिस्तान कंफर्म जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। जी अब्दुल रहमान भाई, ऐसी बात है कि पाकिस्तान का रन रेट है वो इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतर है, और पाकिस्तान टीम अगर बांग्लादेश को शिकस्त देती है तो कर जाएगी क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए, तो और जिम्बाब्वे और इंडिया की जो आपने बात की, जिम्बाब्वे माना कि हल्की टीम है, लेकिन T20 में ऐसी फॉर्मेट है कि किसी भी टीम का दिन हो तो वो टीम जीत जाती है, आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दिया, आज जिस तरह से अफगानिस्तान जीता जिताया मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से, अगर ये चौका ओवर लग गया। और देखें आप ये बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के जो मैच इंडिया का हुआ है बिल्कुल एंड पे आगे जो है इंडिया वो मैच विन किया है इंडिया ने, तो कुछ भी हो सकता है, T20 गेम है, एक ओवर की गेम है, अगर एक ओवर आपका अच्छा लग जाता है तो चांसेस एक टीम के अगर 90% है तो अच्छा ओवर एक भी लगने से जी दूसरी टीम जो है वो क्वालिफाई कर सकती है, यानी कि जीत सकती है, विन कर सकती है मैच,
तो ये कुछ भी इसमें कंफर्म कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के चांसेस जो हैं वो हैं तो कम ही, लेकिन हैं अभी तक पाकिस्तान जो है अगर अपना मैच जो बांग्लादेश से जीत जाता है तो पाकिस्तान के कुछ परसेंट चांसेस अभी भी हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और अगर बात की जाए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके किस टीम से उसका टकराव होगा, तो पाकिस्तान के पॉइंट्स क्योंकि कम होंगे तो पाकिस्तान का दूसरे ग्रुप बी में जो टीम्स हैं उनमें से न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का जो है वो मैच खेला जाएगा अगर सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। तो ये बाकी पाकिस्तानी अवाम की दुआओं पर मुनहसर है और साथ लक पे डिपेंड करता है, अगर लक काम कर जाए तो कुछ भी हो सकता है। जी रहमान भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड टॉप पर है तो पाकिस्तान टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो यकीनन पाकिस्तानी टीम फिर न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल खेलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम के जो नतीजे आएंगे बेहतर ही आएंगे और पाकिस्तानी टीम को फिलहाल कोशिश करना होगी बांग्लादेश को शिकस्त देने की। अगर पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश को शिकस्त देती है और उधर से जिम्बाब्वे इंडिया के खिलाफ करती है अपसेट या फिर नैदरलैंड देती है साउथ अफ्रीका को शिकस्त और पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश को हरा दे तो पाकिस्तानी टीम कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।